आज शारदीय नवरात्रि का नौवां दिन है। आज के दिन लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं और मनचाहा उपहार देते हैं और बदले में कन्याएं आशीर्वाद भी देती हैं। और ऐसे में हमारे सुपरस्टार की पत्नियां कहाँ पीछे रहने वाली हैं, फिर वो चाहे खेसारी की पत्नी हो, निरहुआ की पत्नी हो या फिर हो हमारे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, उन्होंने भी नौ कन्याओं को अपने घर भोजन कराया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें जो मिला वो भाई काबिले तारीफ़ है। जो कन्याएँ आई थी उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ज्योति सिंह को ये आशीर्वाद दिया कि उनकी और पवन सिंह की जोड़ी बनी रहे। जी हाँ, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि इन दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और ऐसे टाइम में जब नौ कन्याएं भोजन खाकर तृप्त हुई और उनके जाने का वक्त हो गया, तब उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ज्योति सिंह को ये कहा। वैसे ये सारी बातें बड़ी ही दिल को छूने वाली इसलिए है कि अब पवन सिंह को और ज्योति सिंह को एक हो जाना चाहिए और पवन सिंह के पिताजी का जो ख्वाब है और उनकी माँ का जो ख्वाब है कि वो पवन के बच्चे को अपने गोद में खिलाए, ये वक्त आ गया है कि ये दोनों एक साथ हों और अब अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अब अपनी फैमिली को बढ़ाएं। वैसे आपको बता दें, याद दिला दें, कल है 15 अक्टूबर और 11 बजे रिलीज़ हो जाएगा पवन का सॉन्ग लुट गए। जी हाँ, लुट गए सॉन्ग को लेकर पवन काफ़ी एक्साइटेड हैं और तो और इस बात की जानकारी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी है। लुट गए सॉन्ग आप सभी जानते हैं, इमरान हाशमी का वन ऑफ द सबसे सुपरहिट सॉन्ग में से एक है और इसे YouTube पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी मिले हुए हैं और बहुत ही कम समय में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं, ये टी सीरीज़ के ऑफिशियल YouTube से रिलीज़ होगा और आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।